अरे किसी को दिल में बसने से किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं एक एक लाइन पर ध्यान दीजिए और क्या अरे निगाहों को झलकते दे निगाहों को झलकते दे के छुप जाना नहीं अरे निगाहों को झलकते दे के छुप जाना नहीं अच्छा उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं तो ये दिल तो ये दिल तुम बिल कहीं लगता नहीं हम क्या बहुत बड़ा पुरस्कार मेरे लिए मिला है सम्मानित श्री पप्पू राजा बपनौरा आपके कर कमलों से एक से एक रुपया का आशीर्वाद मिला है बहुत बहुत धन्यवाद है पप्पू राजा जी भोलेनाथ आपका भंडारा भरा रखे हैं यहाँ बहुत अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ बहुत सुल्ले हुए लोग बैठे हैं प्रबुद्ध लोग बैठे हैं ज्ञाता लोग बैठे हैं क्षत्रिय समाज अधिकांश बैठा हुआ है तो बस यही कहूंगा उम्मीदों के हमें तुम बिल कोई जचता नहीं हम क्या तुम ही कह दो तुम ही कह दो कि ऐ जाने बफा हम क्या करें ये दिल तुम दिल कहीं लगता नहीं हम क्या करें ये दिल तसव्वुर में कोई जचता नहीं हम क्या आइए की दे रहा हूं दुर्गेश नंदिनी जी और ये एक से एक रुपया का आशीर्वाद सम्मानित देवेंद्र सिंह राजा साहब जखरौल आपके कर कमलों से मिल रहा है भगवान भोलेनाथ भंडारा भरा रखे और साउंड ऑपरेटर महोदय जी साउंड ऑपरेटर महोदय जी बहुत अच्छा साउंड बज रहा है वाकई में बहुत बज रहा है और जब जब मैंने आपके साउंड में गाया है शिकायत का मौका नहीं मैंने दिया आपको लेकिन अगर एक आध चूड़ी और बढ़ गया है एक आध चूड़ी और कस दे कहना है भूप सहस्त्र दस कही वाला लगे उठावल टरई नटा
चली हुए, क्योंकि आपने शुरुआत की थी दुर्गेश नंदिनी जी धनुष यज्ञ से, तो मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ। और जब भूप शास्त्र तसे कही बारा लगे उठावन टर ही न टारा, जनक जी ने कह दिया बस रहने दो, रहने दो, रहने दो। अगर 10,000 राजा धनुष उठा के तोड़ देते तो क्या सीता का विवाह किस राजा के साथ होता ये निश्चित था? ये निश्चित था किस राजा के साथ विवाह होता? क्या मेरी लाडली, क्या मेरी जानकी, क्या मेरी सीता का विवाह इन 10,000 राजाओं के साथ होता? रोने लगे जनक जी। और जब जनक जी रोने लगे, सरदारों सरदारों के सरदारों सरदारों के झुके नीचे शर्म से सर। जितने लोग बैठे थे, जितने राजा बैठे थे, जितने योद्धा बैठे थे, और जब वीरविहीन मही में जानी कह दिया तो सबके शीश नीचे झुक गए। असर सरदारों सरदारों के झुके नीचे शर्म से सर। सरासर वीरताई की कटी है नाक इस अवसर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत जोर से बजाइए। जब बजा रही है तो जोर से बजाइए भाई। हम लोगों के पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नेपाल तक से फोन आते हैं और कहते हैं लोकपाल पंचला जी बताइए हमारे यहाँ का क्या लोगे, तो हम कह देंगे भैया बहुत दूर है लेकिन जो देना हो दे दीजिएगा। तो हम लोग कहा करते हैं कि हम कीर्तनकार संतोष धन अपनी तिजोरी में धर लेते हैं, जो आप दे देते हो उस पे संतोष कर लेते हैं, अरे सुखी रहे हमारे कीर्तन के श्रोता सब, हम आपकी तालियों से अपना पेट भर लेते हैं। यही है हमारा भोजन। अगर आप लोग तालियां भी नहीं दे पाए तो क्या मतलब आपका, तालियां तो देते रहिए कलाकार, और कुछ नहीं, पैसा दीजिए ना दीजिए, पैसा दीजिए ना दीजिए, लेकिन आशीर्वाद देते रहिए तालियों का। इसलिए सरदारों सरदारों के झुके नीचे शर्मों से सर, सर झुक गए तो अरे सरासर तीरताई की कटी है नाक इस अवसर। कट गई, और जब कट गई मेरे भैया वीरताई की जब नाक कट गई तो अरे कहां है वीर रस का रस, कहां है वीर रस का रस जो पीरों में मिले अक्सर। सरासर इस अवसर अक्सर, तो राजा वो जो शीश झुकाए राजा बैठे थे, वो राजा कहने लगे, राजा कहने लगे उससे पहले, अरे सिया महाराज जनक जी बोले कि सियावर अब कोई दिखता नहीं हम क्या हेलो हेलो, अरे सियावर अब कोई
दिखता नहीं हम क्या करें, क्या करें, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ओ है कोई तो तोड़ दे धनुष को। सियावर अब कोई दिखता नहीं हम क्या करें, तो राजा जो शीश नीचे किए बैठे हैं, एक राजा बोल पड़ा कि हे जनक जी, ये शिव धनुआ जनक उठता नहीं हम क्या ये शिव धनुआ जनक उठता नहीं हम क्या। आइडियो एंड वीडियो इसी का पैसा लेता है, जेपी बन चला इसी का पैसा लेता है, मेहनत करता है, मेहनत की प्रस्तुतिकरण करता है, जनता के हृदय तक अपनी आवाज पहुंचाता है और जनता के दिलों में अपने लिए जगह बनाता है। कीर्तन गाना मेरा पेशा नहीं है, कीर्तन गाना मेरा धंधा नहीं है, आप लोगों के दिलों में जगह बनी रहे बस इस उम्मीद के साथ कीर्तन गाता हूं। ये दिलों जनकों ये शिवो धनुआ जनक उठता नहीं हम क्या करें, ये दिल भर भी यहाँ हिलता नहीं हम क्या करें, ये शिव धनुआ जनक उठता नहीं हम क्या जनक उठता नहीं हम क्या करें, ये दिल भर भी हिलता नहीं हम क्या करें। एक बार और आइए, द्रौपदी चिल्ला रही है, करुणा कर रही है, बचाओ मेरी लाश बचाओ, लेकिन लाश बचाने वाला कोई नहीं है। अब आप कल्पना करिए, सोचिए, जिसके पांच पांच पति हो और वो औरत चिल्लाए कि मेरी लाज बचाओ, तो सोचो क्या होना चाहिए। लेकिन बेशर्म को शर्म की कोई परिभाषा नहीं आती, अरे दुशासन तो बेशर्म है, दुर्योधन तो बेशर्म है, बेशर्म को शर्म की बेशर्म को शर्म की कोई परिभाषा नहीं आती, और दिया का क्या बिगड़ता है, अरे दिया का क्या बिगड़ता है, बेचारी जल रही पाती, दिया का क्या बिगड़ता है, बेचारी चल रही पाती, और अरे दुशासन दुष्ट दुर्योधन दोनों की ना फटी छात, अपनी ही बहू का, अपनी ही घर की महिला का वस्त्र हरण कर रहे हैं, चीर हरण कर रहे हैं, इस दुष्ट दुशासन और इस दुर्योधन की छाती क्यों नहीं फटी, तो मेरी लाइन कह रही है कि सहारा, द्रौपदी कह रही है, अरे सहारा अब कोई दिखता नहीं हम
सहारा अब कोई दिखता नहीं, हम क्या करें तो। और सभी बेबस है बस, पांच पांच पति सर झुकाए बैठे हैं, सभी बेबस है बस, चलता नहीं हम क्या करें। लेकिन लेकिन कोई बोला ना बोला, भीम बोल पड़े। दीपक भैया भीम बोल पड़े, और भीम ने कहा कि द्रौपदी, अरे शर्म से सर यहां उठता नहीं, हम क्या शर्म से सर यहां उठता नहीं, हम क्या करें। अरे जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को जुए में हार गए, ताव लगा दिया जुए में, ऐसे पांच पति कह रहे हैं। अब लीजिए, इसके बाद तिलकोत्सव का कार्यक्रम है, मैं बहुत जल्दी इस गीत को समाप्त कर रहा हूं। तो कहना है, अरे शर्मों से सर यहां उठता नहीं, हम क्या करें। अन्याय कोई सुनता नहीं, हम क्या करें। शर्मों से सर यहां उठता नहीं, हम जी। अरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी प्रतिधारी, तो प्रभु श्री कृष्ण यो केसर रसिक छलिया चक्रधारी। लेकिन एक लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है, ये रघुवंशी है, राम रघुवंशी है, कृष्ण यदुवंशी है, दोनों प्रभु हैं, लेकिन मगर सबसे प्रथम दोनों से क्यों मारी गई नारी। क्यों मगर दोनों से सबसे प्रथम क्यों मारी गई नारी। राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा, और कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा, क्यों। अरे मारी गई नारी। तो मन चला हल हमें मिलता नहीं, हम क्या। मन चला हल हमें मिलता नहीं, हम क्या करें। सबकी तालियों के लिए। अरे ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। Thank you.
ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई जचता नहीं, हम क्या करें। भंग होने के पहले की बात कर रहे हैं, राजा जनक को आपने बताया है, बढ़िया शब्दों का आपने प्रयोग किया है, बहुत बढ़िया। सरासर, अवसर, अक्षर, बढ़िया शब्दों का प्रयोग किया है, बढ़िया। पंक्ति आपकी बोल रही है, सिया पर अब कोई दिखता नहीं, हम क्या करें। बढ़िया सब, लेकिन आइएगा, प्रयास कर रही हूं अपने ओर से। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष भंग कर दिया, परशुराम जी आ जाते हैं, बहुत आवेश में हैं, पूछने लगे परशुराम जी, आखिर शिव का धनुष किसने तोड़ा। राम जी परशुराम जी के सामने खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके और कहने लगे, प्रभु प्रभु कलाकारों कलहकारों ने देखा कांप गए हैं मन। कलहकारों कलहकारों ने देखा कांप गए हैं मन, समाधि है। आदरणीय हमारे फूफा जी शमानी श्री झमकुली वाले फूफा जी, आपके करकमलों से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय फूफा जी को, और मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा, मानस में एक चौपाई मिल रही है, प्रभु श्री राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं परशुराम जी के सामने और कहने लगे, हे प्रभु, कलाकारों कलहकारों ने देखा कांप गए हैं मन, वहां जो थे विरोधी उनके कैसे खिल गए हैं मन, मगर जब राम जी बोले तो कष्टों का हुआ है दमन। मानस में एक चौपाई मिल रही है चाचा जी, कि छुआता ही टूट पिनाक पुराना, और मैं कहीं भांति करो अभिमाना। जब ये मानस में चौपाई मिली तो राम जी कहने लगे, हे प्रभु, नाथ संबुधन भंजन हारा होई है कोई एक दास तुम्हारा। जय हो। बोले प्रभु, अगर किसी ने तोड़ दिया है
तो वो कोई ना कोई आपका दास ही होगा, आपका दास ही ये कार्य कर सकता है, तो कहना पड़ा। क्या कहने लगे राम जी? कि ये छूने से ही टूटा प्रभु हम क्या करें। हे प्रभु, प्रभु मैंने तो उसको सिर्फ छुआ है। कि ये छूने से ही टूटा प्रभु हम क्या करें। जय हो। तो क्रोध मुनिवर का है छूटा प्रभु हम क्या करें। तो ये छूने से ही टूटा प्रभु हम क्या करें। शिशुपाल की माता को घमंड हो गया कि मेरे पुत्र के पास तो चार हाथ हैं। कन्हैया ने छुआ शिशुपाल को, तो सुनिएगा। कन्हैया ने जब छुआ शिशुपाल को, तो कन्हैया के स्पर्श करने से शिशुपाल के दो भुजाएं अलग हो जाती हैं, दो भुजाएं टूट जाती हैं। तो शिशुपाल की मां को सभी लोगों ने बताया और कहने लगी, लोगों ने भड़काया तो कहने लगी, जमींदारों व गद्दारों ने तब खूब भड़काया। जमींदारों व गद्दारों ने तब खूब भड़काया, लगे कैसी ये लालन की तुम्हारे माई अब काया। बोले देखिएगा माता, आपके पुत्र की काया को कन्हैया ने कैसे से कैसा बना दिया है। जब इतना सुना तो कन्हैया कहने लगे, ललन की देख कर हालत बुआ ने उनको हड़काया। जय हो। तो कन्हैया कहने लगे, तो गर्व इनसे जो आपके पुत्र में गर्व था, बस मैंने किया क्या है। गर्व छूने से टूटा है बुआ हम क्या करें। बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो सिर्फ शिशुपाल का स्पर्श किया है, शिशुपाल को स्पर्श किया है। अब मेरे स्पर्श करने से अगर उसके दो हाथ टूट गए तो? गर्भ छूने से टूटा है बुआ हम क्या करें। तो क्रोध तब उनका छूटा है बुआ हम क्या करें। तो गर्भ छूने से टूटा है बुआ हम क्या करें। बुआ
माता जी, आपने एक बात और कही थी। आपने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दो नारियों को मारा है, तो यहां पर उन्होंने सिर्फ मारा ही नहीं है बल्कि दो नारियों को जीवन दान भी दिया है। पहली नारी अहिल्या को पत्थर से नारी बना दिया और दूसरी कुब्जा को सुंदर बना दिया। इसलिए कहना है गर्भ छूने से टूटा है बुआ हम क्या करें, गर्भ छूने से टूटा है बुआ हम क्या करें, ओ गर्भ छूने से टूटा है बुआ हम क्या करें। आइएगा, ये रहा आपके सुंदर से गीत का अपनी ओर से प्रयास।